ट्राइंग है चिकन बिरयानी बिल्कुल नए स्टाइल से किचन विद अमीरा में। चिकन बिरयानी बनाने के लिए पहले हम करेंगे चिकन को मैरिनेट, और मैरिनेशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। हाफ के जी चिकन, मैंने एक पाव दही लिया है मैंने, इसमें नमक हसबे जायका, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, गार्लिक और गिंगर पेस्ट हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, और पुदीना। और मैंने लिया है इसमें शान बिरयानी बम्बई बिरयानी मसाला, आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पेपर शान था तो मैंने शान का यूज़ किया है। और इसमें मैं डाल दूँगी ये हाफ पैकेट इसमें डाल दूँगी मैं, ठीक है। चलिए आइए मैरिनेट करते हैं। इसमें मैं डालूँगी 1-2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून गिंगर पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक हसबे जायका, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं जैसे भी, और काली मिर्च 1 टेबल स्पून, और दही पूरी 1 पाव हम इस पर डाल देंगे, सालन में हम नहीं डालेंगे। और हम डालेंगे शान बम्बई बिरयानी मसाला, बिरयानी मसाला, और ये है पुदीना, इसको मैं अच्छे से चॉप करके हम इसमें डाल देंगे, मैरिनेशन में डाल देंगे चॉप करके। मैं इसको अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी और इसको हम 40-45 मिनट्स के लिए रख देंगे, बाकी फिर हम दूसरा काम करेंगे। फिर ग्रेवी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लें आप, 1 कप घी, 1 टेबल स्पून गिंगर पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, नमक, 4 आलू बुखारे, और ये कुछ साबित गरम मसाले हैं, 1 बादियान के फूल, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी, 1 तेज़पात और 1/2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और जो बस पैकेट हमारे पास बचे हुए थे वो पैकेट हम ले लेंगे, 4 अदद प्याज, 5 अदद दरमियाने साइज के टमाटर, और 7 से 8 हरी मिर्चें। अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 कप घी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा घी जो है मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे साबित गरम मसाले जैसे मैंने आपको बताए थे, 1 तेज़पात, 2 छोटी दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बादियान फूल और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई सारी ऑनियंस, तुरंत हमारे घी को आ रही है। चलिए हम इसमें चॉप की हुई ऑनियंस डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारी प्याज ना होती है हम आलू फ्राई कर लेंगे, 3 पोटैटो जिसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी और फ्राई पैन में हम फ्राई कर लेंगे। आलू को फ्राई करने के लिए हम डालेंगे इसमें ऑयल 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, तेल हमारा गर्म हो गया, ज़ीरे की फ्रेगनेंस आ रही है, हम इसमें अपने कटे हुए आलू डाल देंगे। हसबे जायका नमक, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसे भी आपकी। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, फ्लेम को हम थोड़ा लो कर लेंगे, और अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने रखा था 1/1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर प्यूरी जो हमने बना के रखी हुई थी, टमाटर उसको ब्लेंड कर लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक, जैसे हमारे भुन जाए उसमें खुशबू आने लगे ऐसा हल्की हल्की, तब हम इसमें ऐड करेंगे।
ऐड करेंगे पिसी मिर्च, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा अपनी मर्जी के हिसाब से। कवर करके मैं फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे हम, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें अपनी मैरिनेटेड किए हुए चिकन डालेंगे। ये हमारे मसाले भुनने वाले हैं, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे मसाले बचे थे बिरयानी के, वो थोड़ा से हम इसमें डाल देंगे। इसमें क्योंकि कलर भी डाला है मैंने आलूओं में, आपकी मर्जी है, आपको पसंद है तो डालें वरना तो ऐसे भी बना सकते हैं। बस आलू हमारे गल गए हैं, मैं फ्लेम को लो कर दूंगी बिल्कुल, ताकि आलू हमारे जले नहीं। ऐड करूंगी आलू बुखारे, जो आपको पता है 4 अदद लिए थे मैंने, और मैं इसको कर दूंगी कवर, फ्लेम को कर दूंगी लो ताकि चिकन हमारे अच्छे से गल जाए। चावलों के लिए पानी लिया है हमने, और पानी में हम डाल देंगे 1 टीस्पून, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, छोटी सी जावित्री, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 बादियान के फूल, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्चें, और 1 टेबल स्पून शाही ज़ीरा का यानी कि काला ज़ीरा। चावल हमने लिए 2 गिलास, उसी हिसाब से हम नमक डाल देंगे, 3 टेबल स्पून डाल देंगे बाद में चेक देंगे हम, और 1 चम्मच सिरका। अब इसको हम कवर कर देते हैं और फ्लेम को कर देते हैं हम हाई, और पानी बॉयल होने का वेट करते हैं। चलिए आइए, पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब हम डाल देते हैं इसमें चावल। चावल मैंने आपको बता दिया था कि शीशे का ग्लास जो नॉर्मल ग्लास होता है घर में, उससे मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और मैं इसमें डाल देती हूँ। 2 मिनट बाद इसमें देख लेंगे कि नमक सही है या नहीं है, कम होगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। वैसे नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही रखिएगा। हम थोड़े चटपटे ज़्यादा पाते हैं तो इसलिए हम अपने हिसाब से रखते हैं। ये चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं अच्छे से, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से पुदीने के पत्ते, शुरू में नहीं डाला था, अभी मैं डाल देती हूँ ताकि सही रहते हैं। और बस 1 कन्नी बस होने ही वाले हैं चावल हमारे, और बस 1 कन्नी रह जाएगी तो मैं इसमें पसा दूंगी इसे। चावलों के तह के लिए हमें चाहिए, मैंने एक छोटा साइज स्लाइस के टमाटर ले लिया है, 1 लेमन लिया है, और थोड़े से पुदीने के पत्ते, और रंग मैं ये 1/2 टीस्पून रंग है, और इसे मैं थोड़े से दूध देके इसका रंग बना लूंगी। चावल हमारे हो गए, अब मैं इसको पसा रही हूँ। ये चावलों को मैंने अच्छे से छान लिया है, छान के मैंने यहाँ रख दिया है। रंग मैंने आपको बता दिया था कि 1/2 टीस्पून ले, बिल्कुल ज़रा ब्रा नाम से रंग में, थोड़ा सा दूध देके हमने रंग बना लेंगे इसको।
टमाटर लगाने के लिए मर्जी है, मैंने तो ले लिया था हाफ एक स्मॉल साइज़ के टमाटोज लिया था, एक लेमन लिया है और थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने। क्यूरा एसेंस आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना है आपकी मर्ज़ी है, मैं डाल दूँगी एक से दो ड्रॉप। बिरयानी की तह लगाते हैं, मैं इसी में लगाऊँगी तो मैं थोड़ा सा सालन इसमें से निकाल लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल, हम डालेंगे थोड़े से चावल, उसके बाद अपनी टमाटर और पुदीना डाल के पत्ते छिड़ देंगे हम इसमें, तले हुए आलू डाल देंगे हम इसमें, तो बाकी बची हुई ग्रेवी और चावल। टमाटर और पुदीना हम इसमें छिड़ देंगे और जो रंग हमने बनाया था वो हम इसमें एक तरफ डालेंगे और एक तरफ हम ऐसे ही वाइट छोड़ देंगे। इससे क्या होता है ना कि बिरयानी जो है ना पूरी एक कलर की नहीं होती है, वाइट चावल नज़र आता है। और इसमें हम लेमन अपने स्पेस कर देंगे, वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं हाफ ही डाल रही हूँ, मैंने लिया एक था पर मैं हाफ डाल रही हूँ। क्यूरा एसेंस डालेंगे हम एक से दो पत्ते, अब इसे कवर करके हम छोड़ देंगे हल्की आँच। पहले शुरू में हम 5 मिनट तेज़ आँच करेंगे, 5 मिनट फुल आँच पे रखेंगे और फिर उसके बाद हम 5 मिनट बाद हम चूल्हे को कर देंगे आहिस्ता लो पे। 10 से 15 मिनट हो गए और हमारे चावलों में भाप अच्छे से आ गई है और आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। चलो अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। आज हमने बनाई है चिकन बिरयानी बिल्कुल नए स्टाइल से किचन विद अमीरा में। और रेसिपी देखने के लिए आप हमारी वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट।